आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। और खबर है धौलपुर में सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राहुल जोगी एक दिन के निजी दौरे पर धौलपुर आए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो देश में दिल्ली सरकार है उनकी नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी ने पदयात्रा की जिसको लोगों ने खूब सराहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि कॉन्फ्रेंस वह पार्टी है जो लोगों के हितों के बारे में सोचती है, वही भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। इसलिए अब की साल 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा और के राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं एक दिन के निजी दौरे पर आए हुए राहुल जोगी ने सैपो स्थित महादेव मंदिर में जाकर शिव की आराधना की और इस अवसर पर राहुल जोगी के साथ काफी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। जी सर, आज क्या प्रोग्राम था सर? प्रोग्राम तो ग्वालियर जाना हो रहा था और देश देश से युवा निकल रहा है और युवा जाग रहा है देश का, तो युवाओं का एक समाचार मिला कि हम रास्ते में रुक करके पार्टी के विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, आगमी पार्टी को मजबूत करने के हेतु आगमी नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। अब देश के युवाओं का जो आदेश होता है वो कांग्रेस पार्टी के जो सेवक होते हैं वो कैसे निराधार कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ रुके थे और अभी कार्यकर्ताओं से भेंट करके फिर निकलना रहेगा। आपका मेन उद्देश्य क्या था जो आप दौरा पे निकले थे? मेन उद्देश्य तो यही है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है और वर्तमान ही नहीं इतिहास गवा रहा है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज से नहीं शुरू से प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस द्वारा चलाई गई जनहित और देश हित में जो नीति आए वो जन जन तक पहुंचे, पक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज मौजूदा सरकार में ये हालात है कि किसान दुखी, मजदूर दुखी, युवा रोजगार के लिए दुखी, तो अब की जो सरकार, अब की देश का युवा और देश का किसान मजदूर एकत्रित होकर संगठित होकर बीजेपी सरकार की झंडी उखाड़ फेंकेंगे और एक न्याय और श्रद्धा स्थापित सरकार कांग्रेस की स्थापित करेंगे और देश हित में और जनहित में नई नई नीतियां लाएंगे।